सबसे पहले मैं डॉक्टर धनंजय को धन्यवाद देना चाहूंगा जिन्होंने आज ये मीटिंग रखी। साथियों, बाबा साहब ने संविधान में हमारे उन्होंने हमारे हकों की रक्षा के लिए कानून बनाया। जब संविधान लागू हुआ, लागू होने के बाद से ही ये ठीक तरीके से लागू नहीं हुआ और उसके बाद इसको तोड़ा मरोड़ा जाना शुरू हो गया। मेरा कहना यह है कि आखिर में हम लोग कब तक डिफेंसिव बन के रहेंगे? हमारे हकों को हमेशा तोड़ा मरोड़ा जाएगा और हम उसका डिफेंस करते रहेंगे। हम आखिर में कब प्रोटेक्टिव होंगे? और अटैकिंग तो बहुत दूर की बात है कि हम अटैक करेंगे उनके ऊपर। आखिर में क्यों? आज मैं थोड़ा सा, हमारे बीच में बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हैं तो मैं इस पे विचार करना चाहूंगा। आखिर में क्यों आज ये सिचुएशन आया है? क्यों? कि हम सत्ता में नहीं है। सब कुछ उनके पास है, सारी शक्तियां उनके पास है, जो मन में वो कर रहे हैं। हम सिर्फ 85% करके रह जाते हैं और हम सिर्फ, क्योंकि हमारे जड़े मजबूत नहीं है। सिंपल सी बात है, हमारे जड़े मजबूत नहीं है जिसकी वजह से न हम सामाजिक रूप से ऊपर उठ पा रहे हैं ढंग से और न राजनीतिक रूप से ढंग से ऊपर उठ पा रहे हैं। हम सामाजिक रूप से क्यों नहीं उठ पा रहे? आरएसएस क्यों आज इतना एग्रेसिव है? हमें उनसे जानना होगा, उनसे सीखना होगा कि आरएसएस ने अपनी जड़ों को कैसे मजबूत किया अपने मनुवाद और ब्राह्मणवाद की रक्षा के लिए। तो उन्होंने इस बच्चों के लिए स्कूल खोला, हर मॉर्निंग में जो शाखा चलाते हैं वो हर तरह के, वो अपने उन ब्राह्मणवाद को बोलने के लिए समाज में वो पूर्ण रूप से वो सब लोग सही एक साथ खड़े होकर और मेहनत करते हैं, हम नहीं करते हैं। इसी बात पे मैं मान्यवर काशी राम जी की अस्थि मुझे याद आती है। आप एक वकील हैं तो आप वकील की तरह से आप हमें सभी को अपेक्षा है कि आपको जी सर, मैं वही तो जड़ पे आ रहा हूँ, जड़ पे आऊ मैं ज्यादा नहीं, बस मैं वही चाह रहा हूँ कि जो मेन जड़ है, जो मूल है, हम अपनी संवैधानिक जो वही है उसको भी रक्षा नहीं कर पा रहे हैं, क्या कारण है? मैं वही बताना चाह रहा था और मैं ज्यादा ना समय लेते हुए धन्यवाद।